वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है पवित्र मार्ग शीर्ष महीना। केवल ध्यान करने से होती हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण। जी हां दोस्तों, अगहन महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। अमोघ का मतलब है कभी नष्ट न होने वाला फल। इस महीने निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहने से इस महीने का संपूर्ण पुण्य आपको मिलता है। इसके अलावा इस अद्वितीय महीने में आप और भी लाभ पा सकते हैं। अगहन महीने में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी को शरीर पर लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के समय आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इसकी जगह आप चाहें तो गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मार्गशीर्ष महीने में कोई श्रद्धालु कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करे तो उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। स्नान करने के बाद इष्ट देवता का ध्यान करें, विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करें। स्त्रियों के लिए ये स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाली है। इस महीने में भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्यों खास है ये महीना। इस महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना शुभदायी है। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो कृष्ण की आराधना करने से आपको संतान प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। मार्गशीर्ष महीने में कीर्तन करने या फिर शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल मिलता है। इस महीने किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने कृष्ण मंत्रों, आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति का पाठ करना भी विशेष फलदायी है। इसी महीने में आप गौ सेवा भी कर सकते हैं। गाय की सेवा और उसकी उचित देखभाल करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने गाय के शुद्ध घी का दिया लगाकर कृष्ण मंदिर में अवश्य ले जाएं। इसके अलावा श्री कृष्ण को अपना बनाने और उनकी कृपा पाने के लिए प्रेम की साधना पर्याप्त है। अगर आप पूरे प्रेम भाव से श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो निश्चित ही आपको उचित फल मिलेगा। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष महीने में व्रत, उपवास, निरंतर भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय यानी कि संध्या काल में श्री कृष्ण और राधा की आराधना करें, विष्णु जी और शिव जी के भजन कीर्तन भी करें। इन दिनों प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करें। इस पूरे महीने भर मनुष्य पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण का ध्यान, तप, जप, व्रत, उपवास करे तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने कुछ वस्तुओं का प्रयोग करने की शास्त्रों में मनाही है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में जीरा खाने की मनाही है। महीने भर जीरा नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ जिस भोजन में वसा हो ऐसा भोजन भी ना खाएं। साथ ही इस महीने तेल मालिश करना शुभ फल प्रदान करता है। तो दोस्तों ये तो थी जरूरी जानकारी इस महीने से जुड़ी हुई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों जो हमने आपको उपाय बताए इनमें से कोई भी 2 उपाय आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको श्री कृष्ण की अपार कृपा मिलेगी।